जैसे कि कल सूरज निकला तो शाह साहब सैयद तुराब हैदर साहब का कानून आ गया था कि पल्ला आपने 6 बजे लगाना है। हमारे मौसम साफ थे, जिन इलाकों का मौसम साफ था उनको भी शाह साहब ने रोक दिया। इसकी वजह क्या थी शाह साहब? एक आधे ज़िले की खातिर या एक दो बंदों की खातिर आपने पूरे पंजाब के लोगों का बेड़ा गर्क करके रख लिया। आपकी वजह से जितना मुझे लॉस हुआ है ये मैं जानता हूँ, आपकी वजह से मुझे कितनी बाजी नीचे लगना पड़ा है सिर्फ आपकी खातिर। और हमने तो फिर भी आपके कानून की पासदारी की, आपने जो भी कानून बनाया हमने माना, कोई बात नहीं। हमारे अगर आप 6 बजे उठे हम सारे भी बैठ जाते या एक भी घर ना बैठता फिर भी कोई मसला नहीं है। मगर शाह जी आपने जो कानून बनाया वो शाम को चेंज कैसे हुआ है हमें तो ये पता बताएं। वो शाम को चेंज हो गया कानून आपका, आपने वही काम किया है सियासत वाला और खूब सियासत आपने की है। कल का दिन आपने जिधर से उड़े हैं उधर कुछ लोगों को टाइम दिया है, जिन्होंने 5 बजे उड़ाया आपने उनको 5 का टाइम दे दिया, जिनको 6 बजे उड़ाया क्या कसूर था? आपने हमारा पल्ला रुकवाया था, आपने हमें हमारे बाजी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है अपनी सियासत की खातिर। रात आपने कानून चेंज कर ली है, ये आपका कप है, ये आपकी पासदारी है। जो बंदा अपनी जबान की पासदारी नहीं कर सकता हमारा उनसे बाइकॉट है। ना हमें सियासत आती है, ना हम किसी सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना आपका कानून हम अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं। और आपकी वजह से कल हम अपने इलाका में जलील हो गए, हर बंदों से बात सुननी पड़ी है। यकीन माने आपका कानून माने ना तो फिर हमें 2-3 दिन अफगान मैन साथ रखने पड़ेंगे। जो आवाम का मामला बनते हैं ना, ठीक है ना, कंट्रोल खुद से भी बंदा नहीं कर सकता, कोई बुरा भला बोले तो बंदे खुद बोलना पड़ जाता है, मजबूरन बोलना पड़ जाता है। तो आपकी वजह से 2-3 दिन अफगान मैन रखने पड़ेंगे आवाम भी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की खातिर आपने ये बनाया है ना, हमें सारा पता है, हमें आप इतने अंधे नहीं हैं, ये इतने पागल नहीं कि हमें पता नहीं है। आप सियासत कर रहे हैं, उनके नोटों के ऊपर क्या कैद आजम की 4 तस्वीरें लगी हुई हैं और हमारे नोटों के ऊपर, इंटरव्यू के नोटों के ऊपर कोरोना वायरस की फ़ोटो लगी हुई। शाह जी आपने पूरे पंजाब को जलील करके रख दिया। आप अपनी सियासत की खातिर लोगों के साथ क्या क्या किया है? 365 दिन आप घर से कबूतरबाजी करें, फिर आपके साथ ऐसा हो तो फिर मैं पूछूँ आपसे कि क्या आप पे बीतती है? जो हम पे बीती हमें पता है, आपकी वजह से हम सारी बाजियाँ नीचे लग गए हैं। क्या मिला है आपको पहले ये बता। उसके बाद रात आपने कानून चेंज कर दी है, जीती हुई बाजियाँ सुल्तान वीर मुख्तार को आपने हरवा दी हैं। ये आपका कानून है, ये आपकी पासदारी है। जो बंदा अपनी जबान की पासदारी नहीं कर सकता हम उसके साथ कैसे ठहर सकते हैं भाई? कैसे ठहर सकते हैं हम उस बंदे के साथ? हमारा आज के बाद आपके साथ बाइकॉट है, ठीक है। आपको कल पता चला है कि कुछ छतें बह जा रही हैं, इंट्रियाँ नहीं देंगी, तो आपने फ़ौरन कानून बदल दिए इंट्रियों की खातिर। अपनी जबान पर तो कह रहे थे जो जाते जाते रहे, क्या हो जाना था, कितनी इंट्रियाँ कम हो जाती। और मैं यकीनन कह सकता हूँ छतें निकल जाती, आप इनाम कम भी बना लेते, कोई बंदा आपसे इतराज़ ना करता। मगर आपने लोगों को पूरे पंजाब के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है, उनके जज्बात के साथ आप खेले, उनकी मेहनत के साथ आप खेले हो, क्योंकि आप घर से नहीं उड़ाए शाह जी। आप घर से उड़ाते तो फिर आपको पता होता बादल लाहौर में है तो पिपला में पल्ला नहीं बजना जी। क्या कसूर है पिपलों वालों का? और पिपला में मौसम ख़राब है तो करना लाहौर में नहीं बजना, ये बात नहीं होती। बात जो आपके कानून थे वही कानून था, जिधर इसका मौसम ख़राब है वो उधर से उड़ा ले, उधर से टाइम नोट हो जाएगा। आपकी वजह से हम जलील हो गए हैं, ठीक है, अपने इलाका वाइज भी और खुद भी आपकी वजह से हमारी बाजी नीचे लग गई हैं। बहरहाल जो भी है, मैं आपके बारे में, आप कुछ अच्छा टाइम गुजरा है और कुछ बात नहीं करना चाहता। दिन में उबाल तो बड़े थे मेरे दिल, मगर मैं फिर भी कंट्रोल करता हूँ। हमारा पूरे पिपला ग्रुप का आपके साथ बाइकॉट है, आपके साथ बिल्कुल आपके साथ मुखालफत करेंगे, आपके टूर्नामेंट की करेंगे, जिस तरह आपके टूर्नामेंट की एफर्ट करते थे अब आपकी मुखालफत किया करेंगे। आपने ज्यादती की है पंजाब के पूरे प्लेयरों के साथ और हमारे साथ, ठीक है ना। और आपने अपनी अगर जबान पर ठहर जाते फिर भी हमें कोई इतराज़ नहीं था, आप अपनी जबान पर नहीं ठहरे, अपनी जबान आपने खुद बदली है। रात सुबह और रात और सूरज के साथ आपकी जबान का कनेक्शन है, सूरज निकला है आपका कानून और लागू हुआ है, सूरज गरूब हुआ है आपका और जबान हो गई, आपका कानून बदल गया है। भाई ऐसे बंदे के साथ हमारा गुजारा नहीं चल सकता, ना हम सियासत कर सकते हैं ना सियासत बर्दाश्त करते हैं। आपको सलाम है और बाकी लोगों का बेड़ा भी गर्क ना करें, पंजाब के बाकी जो शौकार हैं ना आपके साथ उनका बेड़ा गर्क भी ना करें। मैं तमाम दोस्तों से अगर कुछ बात मेरी बुरी लगी मैं उसके लिए माजरत पाऊँ, मगर शाह साहब ने कल पंजाब के तमाम खिलाड़ियों से ज्यादती की है। अल्लाह हाफिज़।